ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है उन्माद चिकित्सा अध्याय के अंतर्गत समान औषधियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है उन्माद चिकित्सा समान औषधियाँ। तो आज हम लोग उन्माद चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं उन्माद की कुछ सामान्य जानकारी। बेसिकली उन्माद के बारे में ये कहा जाता है कि मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान भक्ति शील चेष्टा एवं आचार के विभ्रम को उन्माद कहते हैं, या फिर कह लें तो मन की जो विभ्रम अवस्था होती है उसे ही हम लोग उन्माद कहते हैं, या कह लें कि दूषित एवं वृद्धवाद हित एवं कफ दोष अपने अपने मार्गों को छोड़कर अन्य मार्ग में आश्रित होकर चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, इसे ही हम लोग उन्माद कहते हैं। ठीक, एक प्रकार का क्या है कि ये मानस रोग होता है, ठीक, जिसकी तुलना हम लोग साइकोसिस से कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार में विभ्रम हो जाता है। ठीक, देन हम लोग बात करते हैं इसके निदान के बारे में। तो निदान में इसके बहुत सारे ऐसे कारण बताए गए जो कि आपके आहार और विहार से संबंधित है। आहार में बेसिकली विरुद्ध आहार बताया जाता है, दूषित आहार, अपवित्र आहार, विषम चेष्टा, विषम ढंग से उठना बैठना चलना घूमना फिरना खेलना, मनोविघात हो जाना किसी प्रकार से, बहुत अधिक मात्रा में हर्ष भय क्रोध लोभ उत्पन्न होना, परिवार के किसी सदस्य या फिर धन का नष्ट हो जाना। साथ साथ आचार्यों ने उन्माद के निदान के रूप में देवता गुरु एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों का गाय आदि का अपमान भी माना है। बेसिकली उन्माद में होता क्या है कि जो हमारे दोष होते हैं या फिर क्यों कह लें कि जो हमारे निदान का सेवन हम लोग करते हैं, ठीक, उनके द्वारा क्या होता है कि वात आदि शारीरिक दोष एवं रज एवं तम मानसिक जो हमारे दोष होते हैं मानस, ये दोनों प्रकोपित हो जाते हैं। प्रकोपित दोष बुद्धि के निवास स्थान हृदय में जाकर के वहां पर स्थान संचरित हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका मनोवाही जो स्रोत होता है उसकी दुष्टि हो जाती है, मन में विभ्रम होता है, उसके साथ साथ संज्ञावाही स्रोत में भी दुष्टि हो जाती है, तब जाकर के हमारा उन्माद रोग की उत्पत्ति होती है। बेसिकली यदि बात करें उन्माद के भेद के बारे में तो आचार्य चरक ने 5 और सुश्रुत में 6 उन्माद बताए हैं। आचार्य चरक के 5 उन्माद के बारे में बात करें तो वातज पित्तज कफज संनिपातज आगंतुज या फिर उसे ही भूतो उन्माद का नाम दिया है। आचार्य सुश्रुत ने वातज पित्तज कफज संनिपातज विषज प्लस मानस जन उन्माद का नाम, ये 6 प्रकार के उन्माद बताए हैं। उन्माद के पूर्वरूप के बारे में बात करें तो सिर में शून्यता, नेत्र में व्याकुलता, लाला श्राव, कानों में शब्द सुनाई देना, बार बार ज्वर, चित्त भ्रांति, उदत आरोचक अविपाक, रोग हर्ष, भोजन ग्रहण की अनिच्छा, अत्यधिक उत्साह, हृदय की व्याकुलता, चक्कर आना, नेत्र का टेढ़ा हो जाना आदि पूर्ण रूप माने जाते हैं। यदि हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो देह विभ्रम, मन की चंचलता, दृष्टि की अधीरता, असंबद्ध वाणी, सुख दुख का आभास न होना, स्मृति और बुद्धि संज्ञा का नष्ट हो जाना, असंबद्ध वाणी, हृदय में शून्यता भ्रम होना, ये उन्माद के समान लक्षण बताए जाते हैं। इसके बाद हम यदि बात करें उन्माद की शालीनता अशालीनता के बारे में तो आचार्यों ने वातज पित्तज कफज उन्माद को साध्य बताया है, संनिपातज उन्माद को असाध्य बताया है, एवं जिस रोग का बल बहुत अधिक हो, रोगी का बल कम हो, मांस आदि का रोगी में क्षय हो गया हो तो वह रोग असाध्य होता है। ठीक, ये हो गया हमारी सामान्य सी जानकारी उन्माद रोग के बारे में। अब हम बात करेंगे उन्माद के चिकित्सा क्रम एवं उसमें दिए जाने वाले योगों के बारे में।
तो बेसिकली उन्माद के बारे में, इसकी चिकित्सा की बात करते हैं, तो यहाँ पर आचार्यों ने बहुत सारे इसके चिकित्सा के अंतर्गत क्रियाएं बताई हैं। उनमें से हम बात करें तो सबसे पहले हम रोगी का स्नेहन कराते हैं, देन हम लोग स्वेदन कराते हैं रोगी का, ठीक। उसके बाद हम लोग रोगी का वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, विरेचन के साथ साथ हम लोग शिरोविरेचन यानी कि नस का भी प्रयोग करते हैं, बस्ती कराते हैं, बस्ती में हम लोग अनवासन एवं निरु या फिर कह लें तो स्थापन बस्ती का प्रयोग करते हैं। नस हमने पहले ही बता दिया कि हम लोग शिरोविरेचन भी करवाते हैं, तो हम लोग रोगी का नस भी करवाते हैं। नस में मुख्यतः दो प्रकार के बताए गए, अपीड़न और प्रथमन नस। रोगी का रक्तमोक्षण कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, अंजन कराते हैं, धूम्रपान कराते हैं, समन चिकित्सा करते हैं, धूपन कर्म करते हैं, प्रदेह का प्रयोग करते हैं, बंधन एवं भय आदि से उसे हम लोग डराते भी हैं, उसे बांध कर रखते हैं, अवरोधन करते हैं, वित्राशन करते हैं, विस्मारण करते हैं, विस्मासन करते हैं और अवतर्पण भी हम लोग रोगी में प्रयोग करते हैं, ठीक। बंधन में क्या करते हैं कि हम लोग रस्सी से बांध कर रखते हैं, अवरोधन में क्या करते हैं कि हम लोग एक अंधेरे कमरे में रखते हैं, वित्राशन में क्या है कि हम लोग उसे डराते हैं, धमकाते हैं, विस्मापन क्या है कि हम लोग उसे आश्चर्य उत्पन्न कराते हैं, ठीक। अब तर्पण का मतलब है यहाँ पर उपवास से, ठीक। तो ये कर्म या फिर ये क्रम भी हम लोग रोगी में प्रयोग करते हैं। संशोधन की बात करें तो बेसिकली हम लोग मृदु संशोधन, ठीक, कराते हैं वात में, पित्त में विरेचन, कफ में वमन का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हमारा चिकित्सा का क्रम होता है। सबसे पहले किसी भी रोग में हमें मुख्य बिंदु जो हमारा होता है संक्षिप्त क्रिया योग निदान परिवर्तन, हमें रोगी के निदानों का परिवर्तन कराना है। उसके बाद बेसिकली उन्माद की बात करें तो वातज उन्माद में सर्वप्रथम स्नेह पान कराते हैं, परंतु यदि कफ अथवा पित्त से वायु का मार्ग अवरुद्ध हो तो हम लोग मृदु शोधन करवाते हैं। पित्तज उन्माद में स्नेह स्वेदन के उपरांत विरेचन करवाते हैं। कफज उन्माद में स्नेह स्वेदन के उपरांत वमन करवाते हैं। उसके बाद जो हमारा क्रम का पालन हम लोग क्रमशः कर लेते हैं, दिन हम लोग निरु बस्ती, अनवासन बस्ती, नस्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं साथ में हम लोग उन्माद रोगी में शतवाज्य चिकित्सा, ठीक। इसमें आपका छोबन आता है, वही परिमार्जन आता है, समन चिकित्सा है, देव उपासना, योगा शान भी रोगी में कराते हैं। योगा में तम्बू त्राटक, कपाल भाती और भ्रामरी योग करा सकते हैं। फिर आता है प्रतिद्वंद चिकित्सा, ये कह लें तो यदि ये एक प्रकार का आपका मुख्य बिंदु है उन्माद में, यदि काम क्रोध भय शोक हर्ष ईर्ष्या आदि से अत्यंत वशीभूत हो जाने से उन्माद रोग हो गया हो तो परस्पर विरोधी इन्हीं को उत्पन्न कराकर उन्माद को शांत करना चाहिए। यानी कि काम क्रोध आदि से उत्पन्न उन्माद को हमें काम क्रोध से ही प्रतिद्वंद चिकित्सा के रूप में करा करके उन्माद रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट अभी तक जो हम बता रहे थे, ठीक, वो हमारा यहाँ पर चिकित्सा क्रम है। पहला बिंदु हमारा निदान परिवर्जन है, सेकंड हमारा शोधन है, वात में स्नेहन है, कफ पित्त के द्वारा यदि वात का मार्ग अवरुद्ध हो तो हमें मृदु संशोधन कराना है, पित्त है तो स्नेहन शोधन करा करके विरेचन कराना है, कफ है तो हमारा स्नेहन शोधन करा करके हम लोग वमन कराते हैं। देन हम लोग संशोधन क्रम का पालन करते हैं, उसके बाद निरु अनुवासन और नस्य का प्रयोग रोगी में कराते हैं। आपसे डेट हम लोग बात करेंगे उन्माद की समन औषधियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिए जाने वाले रस के बारे में। तो उन्माद के अंतर्गत हम लोग रस में उन्माद गज केसरी रस, उन्माद भंजन रस, उन्माद गजांकुश रस, भूत भैरव रस, मुक्त पिष्ठी भस्म, ठीक, इसका प्रयोग करते हैं। वटी की बात करें तो हम लोग सर्पगंधा घनवटी, राइट, और साथ साथ ब्राह्मी वटी का भी प्रयोग करते हैं। चूड़ की बात करें तो सारस्वत चूड़, सर्पगंधा चूड़, अश्वगंधा चूड़, वचा चूड़, जटामांसी चूड़ और श्री शादी चूड़ का प्रयोग रोगी में हम लोग कराते हैं।
देन हम लोग बात करेंगे क्वात आतो अरिष्ट के बारे में। तो हम लोग सरसता अरिष्ट, दसमोला अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट, बला अरिष्ट और चंदन आंसू का प्रयोग रोगी करा सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं घृत या फिर तेल के बारे में। तो हिंगवादी घृत, कल्याणक घृत, महाकल्याणक घृत आचार्य चरक ने भी बताया है, महापैथाचिक घृत, लसुनादि घृत, द्वितीय लसुन घृत, पुराण घृत, परापुराण घृत, ठीक, शिवा तेल या शिवा घृत, सिद्धार्थक तेल का हम लोग प्रयोग रोगी में करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अवले एवं अगत की बात करते हैं। अवले में आचार्यों ने चंदन अवले, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन का प्रयोग करने का उल्लेख दिया है। अगत की बात करें तो सिद्धार्थक अगत, करंजादि अगत और सिद्धार्थक आदि अगत का प्रयोग रोगी में करने को आचार्यों ने बताया है। उसके साथ ही हम लोग अंजन के रूप में मरीचांजन, कृष्ण अंजन, वर्ती के रूप में त्रिशुवर्ती, शिरीषादिवर्ती, सेंधवादिवर्ती, धूप के रूप में महाईश्वर धूप, निम्ब पथ्यादि धूप, आजादी रोम धूप का प्रयोग कर सकते हैं। उन्माद रोग में एकल द्रव्य के रूप में यदि बात करें तो ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी, वचा, ज्योतिषमती, कुष्ठ, सर्पगंधा, दारु हरिद्रा, त्रिफला, हिंदू देवदारु आदि का प्रयोग हम लोग रोगी में करा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर योग आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि का प्रयोग करा सकते हैं। स्वासन, हलासन, सर्वांगासन और षटकर्म का भी पालन करा सकते हैं। ठीक, साथ में जो भी हमारी अन्य चिकित्सा होती है, ठीक, आगंतुक उन्माद के रूप में यदि हो तो हम लोग वहां पर बलि, मंगल कर्म, मांगलिक औषधियों का प्रयोग करा सकते हैं। ये हमारे उन्माद की चिकित्सा होती है। देन हम लोग बात करते हैं निदान, सॉरी हाँ, चिकित्सा व्यवस्था पत्र के बारे में। तो चिकित्सा व्यवस्था पत्र के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु हमारा आता है निदान परिवर्जन। उसके बाद हम बात करते हैं शोधन चिकित्सा के अंतर्गत, तो हमारा वमन, विरेचन, अनुवासन और निरु, संशोधन क्रम और नष्ट कर्म आता है। उसके साथ साथ हम लोग देवोपासन एवं सत्यवादी चिकित्सा भी रोगी में करा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बहि परिमार्जन चिकित्सा यानी कि अंजन, प्रलेप, उद्घर्षण, शिरा द्वारा, शिरो अभ्यंग, शिरोभस्थी का प्रयोग करा सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं औषधि की चिकित्सा। इसके अंतर्गत हम लोग उन्माद गजांकुश रस, प्रातःसायं 125 मिलीग्राम, चतुर्मुख रस 125 मिलीग्राम प्रातःसायं, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम प्रातःसायं, स्वर्ण भस्म 125 मिलीग्राम प्रातःसायं यानी कि सुबह शाम हमें लेना है शहद के साथ। उसके बाद हम लोग भोजनोत्तर, सर्पगंधा चूर्ण 2 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 2 ग्राम, ब्राह्मी बट्टी 500 मिलीग्राम, स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम सुबह शाम इसे भी हमें लेना है, ठीक, कोष्ठ जल या फिर शहद के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है कल्याणक ग्रत 20 ml, इसे में लेना है गोदूध के साथ सुबह शाम, ठीक। देन हमारा आता है भोजनोत्तर सरसुता अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट 20-20 ml संभाग जल से हमें लेना है सुबह शाम। साथ में हमें पथ्य अपथ्य का सेवन कराना है, शीर्षासन, हलासन, स्वासन का सेवन कराना है और प्राणायाम का अभ्यास रोगी में करने के लिए कहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बात की उन्माद के समान जाकर जानकारी और उन्माद की चिकित्सा के साथ साथ उन्माद में प्रयोग किए जाने वाले चिकित्सा योगों के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय आयुर्वेद।